दोस्तों, क्या आपको भी बनना है करोड़पति? क्या आप भी चाहते हैं लाखों लाख रुपए आपके घर में बरसे? जो भी, चाहे आप छोटा सा भी कार्य कर रहे हो, इतना धन आए कि आप संभाल ना पाए। कई बार इस तरह की लाइनें आपने सुनी होगी ना, इतना धन बरसेगा संभाल नहीं पाओगे। ये सत्य है। हाँ, है ऐसा अद्भुत चमत्कारिक उपाय कि धन आने के मार्ग चारों दिशाओं से खुल जाएंगे और ऐसा धन आएगा कि सच में आप संभाल नहीं पाओगे। आज लेकर आई हूँ एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक झाड़ू का उपाय, एक चीज जो झाड़ू के नीचे दबाकर रख देने मात्र से माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है हमारे घर। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे है मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं, पढ़ लेती हूँ आपका भाग्य भी। यदि आप कुछ ना बताएं तो पढ़ती हूँ आपका चेहरा। ईश्वर की कृपा है, प्रेम है आप सबका। दोस्तों, एक ऐसी चीज है झाड़ू हमारे घर में जिस पर हमारी नजर नहीं जाती। हम उसे गंदगी साफ करते हैं, साइड में कहीं पर सुला कर रख देते हैं। सबसे पहली बात बताती हूँ, झाड़ू को खड़ा ना रखें, झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखें। यदि जूठन गिरा हो कहीं आपके घर में तो उस पर सीधा झाड़ू ना चला दें। झाड़ू माता लक्ष्मी का बिल्कुल साक्षात रूप होता है। माता लक्ष्मी यदि हमारे घर में आती है, प्रवेश करती है, तो वह तिजोरी में नहीं झाड़ू में वास करती है। अद्भुत बात है। हम अपनी तिजोरी को साफ करते हैं, चमका कर रखते हैं, दिया दिखाते हैं, बंद करके रखते हैं और झाड़ू को फेंक देते हैं कहीं भी, गंदे में, पानी में, जूठन के पास। झाड़ू है, घर के अंदर मत लाओ, कहीं बाहर गंदगी के पास रखो। क्यों? क्योंकि इससे गंदगी साफ होती है। होता है आपसे भी ये गलती, तो आज अभी इसी वक्त इसे सुधार ले। माता लक्ष्मी का वास होता है इस झाड़ू में। हमेशा एक बार पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद, दिन भर के इस्तेमाल के बाद, उसे अच्छी तरह से साफ कर लें, धो लें, झाड़ लें, सुखा लें, तभी अगले दिन पुनः उसका इस्तेमाल करें। जूठे झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। यदि कहीं जूठन गिरा हो तो सीधा सीधी झाड़ू उस पर ना फेरे। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। किसी पहले थोड़ा पानी डाल दे, किसी कपड़े से साफ कर ले, फिर ही उस पर झाड़ू फेरे। कभी भूल कर भी झाड़ू पर पांव ना पड़ जाए आपका। यदि पांव पड़ जाए तो ऐसे बैठकर प्रणाम कीजिए जैसे किसी रुपए पैसे पर पांव पड़ जाता है हमारे, तो हम कैसे उससे क्षमा मांगते हैं, बैठते हैं, प्रणाम करते हैं। झाड़ू पर पांव पड़े तो ऐसे ही माता लक्ष्मी से नमन कीजिए, माफी मांगिए, प्रणाम कीजिए उन्हें। गंदी जगह पे जहाँ पे लोग थूकते हैं या जूठन फेंकते हैं या खाकर कहीं दो नापत्ता फेंका हुआ हो, वहां झाड़ू को बिल्कुल ना रखें। ये तो झाड़ू के रोज के थोड़े बहुत नियम है जो मैं बता रही हूँ। संध्या के समय झाड़ू ना लगाएं, झाड़ू लगाते वक्त बाल खुले ना रखें और झाड़ू लगाते वक्त थूके नहीं इधर उधर। इससे होता यह है कि समझो कि मैं झाड़ू जो लगा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ माता लक्ष्मी के लिए, और फिर मैं ही गंदगी फैला रही हूँ। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। झाड़ू पे केस ना उलझा हुआ हो कहीं। झाड़ू लगाते वक्त घर की बहुत सारी गंदगी झाड़ू में आ जाती है, लेकिन केस यदि झाड़ू को लपेटे हुए हो तो झाड़ू लगाने के बाद उसमें से केस निकाल दे, उसे फेंक दे डस्टबिन में, तब जाकर झाड़ू को सफाई से कहीं पर लिटा कर रख दे। आज जो आज छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ वह झाड़ू से जुड़ी है। और क्या उपाय है, मैं क्या कहूं दोस्तों कि ये क्या उपाय है जो भाग्य बदल कर रख देगा आपका। क्या करना है आपको, किन चीजों की आवश्यकता है और किस दिन करें ये, आज मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले ये आपको किस दिन करना है जान लीजिए। केवल और केवल, अन्य कोई विकल्प का दिन नहीं, केवल और केवल शुक्रवार को, और गिने नहीं इतने शुक्रवार मैंने किया है। बिल्कुल इसे जीवन का हिस्सा बना ले। प्रत्येक शुक्रवार को ये उपाय जरूर करें। कोई भी करे, घर की महिला करे, पुरुष करे, बच्चे करें, बुजुर्ग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहाना धोना नहीं है आपको इस उपाय को करने से पहले। कोई बहुत स्वच्छ कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि यह उपाय रात्रि में करनी है, बिल्कुल खाना खाने के बाद, सोने से पहले। इसीलिए जो वस्त्र आपने पहना है, जो आपने खाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वेज के साथ आप नॉन वेज भी खा लिए हैं तो भी आप ये उपाय करेंगे। इसका पूजा पाठ से कोई भी संबंध नहीं है। यह झाड़ू का अद्भुत उपाय है। आपकी किस्मत पर जो जम गई है ना गंदगी, ये झाड़ू उसे हटाकर बिल्कुल साफ कर देगा।
थोड़े से दाने धनिया के आपको ले लेनी है और गिनकर केवल 5 जीरा, जीरा जिसे कहते हैं मसालों में जो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल 5 तत्व होता है ना ब्रह्मांड के, इसका भी एक भेद है, आप 5 जीरा ले, बिल्कुल इतना सा ना ले ले, 5 ले गिनकर, और थोड़े से दाने धनिए के, धनिया को गिनना नहीं है, बिल्कुल ऐसे चुटकी भर धनिए के। दिन भर जिस झाड़ू को आपने इस्तेमाल किया है उसे साफ कर ले, धोने की आवश्यकता नहीं, बस झाड़ू साफ कर ले, ऐसा नहीं कि झाड़ू में कीचड़ लगा हुआ हो, बाल लपेटे हो, नहीं, झाड़ ले, साफ कर ले झाड़ू को। शुक्रवार को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो घर के सभी सदस्य खाना खा ले, सोने के लिए चले जाए, तब घर का जो मुख्य द्वार होता है, आपको घर के बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है, घर के मुख्य द्वार में अंदर की ओर झाड़ू को आप लेकर जाएं, थोड़ा सा धनिया लेकर जाएं और केवल 5 जीरा लेकर जाएं। आपने पहले 5 जीरे ऐसे 1 2 3 4 5 बिल्कुल ऐसे लगा दें, एक 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 5 जीरा आपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया, घर के अंदर वहां धनिये को छीटना है, धनिया को रखना नहीं है, अभी जीरे को मैंने रखवाया, जीरा को छीटना नहीं है, छीटने और रखने का भी भेद है ज्योतिष में। जीरे को आपने ऐसे 5 जीरा रख दिया, धनिये को उसके ऊपर आपको ऐसे छीटना है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊंचा ऊ रखिए आप जीरे से और धनिया को ऐसे छोड़ दीजिए, छिटका, खूबसूरती से धनिया बिखर गया इतनी जगह पर, और झाड़ू को आपने लिटा कर उसी जीरे और धनिये के पास रख दें, ऐसे रखें कि वो जीरा और धनिया झाड़ू से दब जाए। कहते हैं ना किसी चीज को दबा देना, तो झाड़ू के मुख से आपको ये चीजें को दबा देनी है, फिर आप अपना हाथ ना लगाएं। कुछ धनिये मान लीजिए 1-2 दाने धनिये झाड़ू के चारों ओर किनारे से बिखर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगी उसे, आपने झाड़ू उसको दबा दिया। एक बार प्रणाम करें, जैसे माता लक्ष्मी को करते हैं वैसे झाड़ू को नमन करें, मुख्य द्वार को प्रणाम करें और अपने घर चले जाएं, चुपचाप से सो जाएं। अगली सुबह झाड़ू को बिल्कुल सामान्य तरीके से उठा, उस धनिया जीरे को वहीं छोड़ दे, जैसे घर की सफाई करते हैं उस जगह की भी सफाई करें, वो धनिया जीरा चला जाएगा कूड़े के साथ बाहर, उसे उठाना नहीं है, गमले में वापस से नहीं डालना है। प्रत्येक शुक्रवार को आपको ये करना है, मेरी बात मानकर महज 5 शुक्रवार ये करके देखिए, खुशियां तो आने लगेंगी, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, अचानक से ऐसे ऐसे जगह से धन आने लगेगा, तो छोड़ मत देना मेरी बहनों, छोड़ मत देना मेरे भाइयों इस उपाय को, दीदी ने कहा है गिनिए मत, हर शुक्रवार करते रहिए। क्या जाता है इसमें, धनिया और जीरा आपने जो किचन में इस्तेमाल किया है वही लेना है, पवित्रता से कहीं खरीद कर नहीं लानी आपको, किचन में जो है बस आपने उठा लेनी है, आपने उठा लिया, हर शुक्रवार को ये करना प्रारंभ कीजिए। समृद्धि लाइफ टाइम चाहिए ना, समृद्धि एक बार तो नहीं चाहिए, तो जो मैंने उसका द्वार खोला है उसे खुला रखना है, फिर बंद ना हो जाए, मैं उसे हर शुक्रवार को खोलूंगी। शुक्रवार की रात्रि माता लक्ष्मी के आगमन का दिन होता है, ये जो हमने आसन बिछाया है ना, जीरा लगाया है, धनिया लगाया है, अद्भुत है ये वशीकरण, अद्भुत है ये टोटका, आप करिए और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें, जरूर करें ये उपाय, ईश्वर करे माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसे आप सब पर, भर भर कर आप सब धनवान हो जाएं, खुश रहिए, बहुत 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 धन्यवाद।